दूसरा मैं आपको कहूंगा कि हमारे यहाँ एक स्कीम है जिसके तहत हर आदमी जो है, जो यहाँ हमारे पास, हमको मालूम है, कंट्री को मालूम है कि यहाँ पे टर्शरी केयर नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो जब जब कोई सीरियस मसला हो जाता है, जैसे कोई मान लीजिए डायलिसिस का मसला है, कोई यूरिनरी का मसला है, कोई कैंसर टाइप की चीज़ होती है, या कोई बड़ा सीरियस मसला होता है जो हम यहाँ हैंडल नहीं कर सकते हैं, या हेड इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए लाजिम है कि उसको बाहर जाना है। और हमारे लिए सबसे नज़दीक जो है वो दिल्ली है, वहाँ जाना है, एम्स में जाना है, या किसी, या चंडीगढ़ कोई लोग चले जाते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई है, हम प्रमोट कर रहे हैं उसको, बार बार मैं लोगों को कह रहा हूँ कि एक आदमी और एक अटेंडेंट का 60,000 तक खर्चा हम उठाएंगे, आने जाने का किराया हम देंगे। तो ये जो स्कीम जो है वो लेह के लिए और कारगिल दोनों के लिए है। एयरफेयर का रियम्बर्समेंट अप टू 60,000 पर केस। हम फरवरी के एंड तक जो है हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान, जिसमें कि इस साल के जो चलते हुए काम है जिनको हम ऑनगोइंग वर्क्स कहते हैं, और जो नए काम हम लेना चाहते हैं अगले साल, वो सारे कामों का अप्रूवल जो है वो फरवरी के एंड तक जो है वो फॉर्मली अप्रूवल हो जाए। और जैसे हमारा जो बजट रहता है, जैसे हमें बजट का कन्वे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो हम वो उनको कन्वे कर सकते हैं, ताकि हम उनको ऑथोराइजेशन दे दें, क्योंकि कुछ तो ऑनगोइंग वर्क होते हैं जनरली 75%, तो दूसरे जो नए वर्क होंगे उनका भी वो टेंडरिंग कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम दे देंगे, टेंडरिंग कर दें और अलॉटमेंट ऑफ वर्क कर दें। तो मार्च में अगर अलॉटमेंट ऑफ वर्क होगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो मोबिलाइज कर लेगा उसको मार्च से पहले, और अप्रैल में वो काम जो है शुरू कर सकता है, जैसे ही मनाली रोड या जोजिला रोड जो है वो खुल जाती है। तो ये हमने प्लानिंग में किया है, और इस बार प्लानिंग में ये भी हुआ है, प्लानिंग और फाइनेंस ने दोनों मिल के, कि जो भी काम है वो बड़ी स्पेसिफिकली, पहले क्या है कि आप कहते थे कि हम एक कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, लेकिन हम उसका क्लियर नहीं लिखते थे कि ये हम कितनी चीज़ें ले रहे हैं या कौन सी चीज़ ले रहे हैं। तो इस अब जो नया जो शिफ्ट सिस्टम जो फाइनेंस का हमारे यहाँ पे लागू हुआ है, टू हैव ए बेटर अकाउंटेबिलिटी, उसे हम लिफमस कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लद्दाख। उसमें क्या है कि हर काम जो अप्रूव हो गया, प्लान अप्रूव हो गया, वो प्लान जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे या उनके जो PFMS सिस्टम है उस पे चला जाता है। तो अब जब कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम कर लिया, उसको काम अलॉट हो गया, उसने काम कर लिया, अब वो पेमेंट के लिए आ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही काम का जो टाइटल, जिसका जो उसने काम किया या बिल्डिंग बनाई है, वो ऑलरेडी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जहाँ जो पे एंड अकाउंट ऑफिसर होता है, या ट्रेजरी ऑफिसर पहले कहते थे, उसको मालूम होता है कि इस काम के लिए इतने पैसे जो है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, तो उसकी पेमेंट जो है वो जल्दी से विदाउट एनी हैसल वो निकल जाती है। तो प्लानिंग में हमने ये जो टू नो एक्सपेडाइट कर दिया है कि जितने भी प्लान्स हों वो टाइम से बहुत पहले बन जाएं, और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें गो अहेड मिलेगी, आपका नेक्स्ट ईयर का बजट ये है, हम अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हमने पहले से एक्सरसाइज कर ली है कि किस डिपार्टमेंट का कितना है, किस डिपार्टमेंट का कितना रफली होता है, तो अकॉर्डिंगली उसका बजट जो है उसके हिसाब से उसका प्लान अप्रूव हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि इस बार मार्च में हम दोनों काम, पिछले साल हमने क्या किया था कि ऑनगोइंग वर्क्स जो 21-22 के थे उनका अप्रूवल हमने अप्रैल में दिया था, और नए काम जो 21 जो 22-23 के जो नए काम आए थे उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया DPR बनाना है। इस बार हम ये कह रहे हैं कि आप नया काम भी जो आपने लेना है 23-24 में, उसका आज ही आपको पता होना चाहिए, आज ही उसका DPR रेडी होना चाहिए, ताकि बोथ ऑनगोइंग वर्क जिसे हम कहते हैं, जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं और चल रहे होते हैं, और न्यू वर्क्स जो आप इस साल नए काम डाल रहे हैं, उनके लिए फ्रेश DPR है, फ्रेश एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, फ्रेश उसकी कॉस्ट है, तो वो काम भी जो है वो हम अप्रैल में शुरू कर सकें। तो ये हमने प्लानिंग क्या किया है जो हमारा मेजर वर्क है। और फिर उसके बाद जो मैं अगर आपको इस पर, अब हेल्थ का तो आपको मालूम है कि हेल्थ में हमने इस साल बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो हैं उन सबके अपनी सेंट्रल हीटिंग कर दी, मतलब अगर आप कहीं भी जाएंगे इस वक्त फील्ड में, इवन परसों हमने तुरतुक का फाइनलाइज कर दिया, वहाँ भी अब सेंट्रल हीटिंग है। तो लगभग बहुत सारे 50-60 इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, CHCs हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो पहले से ही सेंट्रली हीटेड थे, तो इन सब में हमने सेंट्रल हीटिंग का प्रोविज़न कर दिया है, ताकि लोग जो हैं इन हॉस्पिटल्स में जब आएँ तो वो जो हैं उनको एक वो कंफर्टेबल रहें, और जो स्टाफ अंदर काम कर रहा है वो भी कंफर्टेबल रहे। तो ये सेंट्रल हीटिंग का जो हमने प्रोविज़न किया है, और अब हम ये कर रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है उनके जो रेजिडेंसेज हैं जो वहाँ रहते हैं, उनके लिए तो रेजिडेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और दूसरा वो जो रेजिडेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो भी सेंट्रली हीटेड होंगे, और जो एग्जिस्टिंग है उनको भी हम सेंट्रली हीटिंग करेंगे, ताकि स्टाफ जो है वो अवेलेबल रहे,
ठंड के कारण ऐसा ना हो कि लोग ना जाएं। तो इस साल अगले साल हम प्लान कर रहे हैं कि लगभग 54 जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसे हम पहले मेडिकल सब सेंटर कहते थे, लगभग 80 के करीब हमारे जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जिसको हम पहले मेडिकल सब सेंटर कहते थे या जिसको हम पहले न्यू टाइप ऑफ PHC कहते थे, NTPHC, वो जो ग्राउंड जो फर्स्ट लेवल का जो हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि सबसे पहले तो डिस्पेंसरी आती है। पुराने ज़माने में इसको डिस्पेंसरी कहते थे, एलोपैथिक डिस्पेंसरी या फलानी डिस्पेंसरी। फिर डिस्पेंसरी के बाद इसको सब सेंटर, मेडिकल सब सेंटर कहने लगे हम। उसके बाद अब उसमें, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि सिर्फ हेल्थ ट्रीट क्योरे मतलब क्योरेटिव नहीं होनी चाहिए, प्रमोटिव भी होनी चाहिए। तो अब इसका कंसेप्ट बना दिया हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कि यहाँ पे लोग जो है अपनी जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज है उनके बारे में एडवांस में पता करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको BP है, 10 साल BP है, आपका सर दर्द करता है, आंखें दर्द करती हैं, कभी कभी आप उसको लाइटली लेते हो, कभी भी आपके पास मौका नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर तो चेक करवाओ या उसका कोई रिकॉर्ड रखो। या कई बार ऐसे होता है कि लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, उनको ज़्यादा यूरिनेशन होती है, या ज़्यादा प्यास लगती है, या उनकी उनका वज़न कम होता है, लेकिन वो कहते हैं शायद ऐसे ही कम हो रहा है, ख्याल नहीं रखते, लेकिन ब्लड ग्लूकोज टेस्ट नहीं कराते, अपना लेवल टेस्ट नहीं कराते। तो इस तरह की जो बीमारियां जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते थे, अब वो बहुत ज़्यादा हो रही है समाज में, मतलब कंट्री में। तो इसीलिए एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट आ गया कि वो जो जिसके हम पहले डिस्पेंसरी कहते थे, वहाँ कुछ नहीं होता था। पहले वहाँ एक फार्मासिस्ट होता था, एक पट्टी करने वाला होता था, मैक्सिमम आपको एक पट्टी करते थे, या बुखार के लिए दवाई है छोटी मोटी, कोई आपको लूज मोशन है उसकी दवाई जो है मिल जाती थी। लेकिन अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पूरी लैब है, वहाँ पे पूरे टेस्ट होते हैं फ्री, और वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आपको अब तो आप वहाँ पे जिसको हम ई संजीवनी कहते हैं, उसके थ्रू आप वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं, VC के थ्रू अपनी बीमारी बता सकते हैं, ताकि डॉक्टर की जो आपको कंसल्टेशन जो मिल सके। क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो सबसे बड़ा वर्कर होता है उसको हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहते हैं, वो नर्स होती है, तो हम डॉक्टर का भी सर्विस उसको दे रहे हैं। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, ये फ्यूचर में ये हमारे जो हेल्थ से डिलीवरी सिस्टम है वो उसकी बेस बनेंगे, उसकी जो जिसको बेडरॉक कहते हैं वो बनेंगे। और इसलिए हमने इस बार 80 के करीब, उनमें हमने हर जगह देखा, जैसे अगर मान लीजिए मैं जाता हूँ चुशूल चले जाओ आप, या आप किसी और बॉर्डर एरिया में चले जाइए, कोरजोक चले जाइए, कहीं दूर दूर इलाकों में, थांग चले जाइए, तुर्तुक के इलाके में चले जाइए, तो आपको लगेगा कि ये सभी जो स्टाफ होता है जनरली वहाँ पे एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, जो स्टाफ नर्स होती है, ट्रेंड होती है, वो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है उसको। उसके बाद वहाँ पे एक फार्मासिस्ट होता है, हो सकता है वो मेल हो, जनरली फार्मासिस्ट मेल होते हैं, लेकिन CHO दे आर फीमेल, दे आर वुमेन। फिर जो नीचे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होती हैं, उनको NM कहते हैं, वो भी दोनों वुमेन होती हैं, तो 4 स्टाफ होता है वहाँ पर, वो चारों में से 3 वुमेन होती हैं, एक हो सकता है मेल हो। तो ये सब जो लोग वहाँ हैं, और बहुत दूर उनको चल के, अगर उनको रोज़ ही गाड़ी पकड़ के जाना पड़े इतने दूर, तो कितना डिफिकल्टी है। यहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है वो भी रेगुलर नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 100 मीटर के अंदर अंदर अगर हमारे पास जगह है, तो हम इनको यहाँ पे 4 सेट स्टाफ क्वार्टर बना के देंगे, ताकि ये 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल हो। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर रात को दर्द हो जाता है, या लेडी को रात को प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो प्रेगनेंसी है, चाहे किसी की चीज़ है, तो उसको इमिजिएट रिलीफ जो है, क्योंकि वहीं पर ही आपकी नर्स होगी, वहाँ पर आपकी NM होगी, फार्मासिस्ट होगा, और उसका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पास ही वो रहती होंगी, तो वो आपको हेल्थ जो सर्विसेज दे सकती हैं। तो इस बार हम 80 के करीब जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का स्टाफ क्वार्टर्स बनाएंगे। अगले साल हम प्लान कर रहे हैं, एक 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 जो ब्लॉक है वो 1.6 करोड़ के करीब बनेगा। तो ये हम सोच ये प्लान कर रहे हैं कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मैंने JNK में भी डॉक्टरी 2.5 साल जो है एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा, तो मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया कि हम कहते हैं डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर डॉक्टर को अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा और जो स्टाफ को अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा, तो उनका ये बहाना कि यहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, यहाँ पे हमें परेशानी होती है, वो दूर हो जाएगी। और लोग अगर जगह है तो रहेंगे, अगर जगह होगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो फील्ड में रहेंगे, स्टाफ जो है वो फील्ड में रहेगा, 24 घंटे अवेलेबल होगा। और अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी क्वार्टर दिया, वो रहता क्यों नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्वार्टर्स जो है, स्टाफ क्वार्टर जो है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो और कोई डिपार्टमेंट हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये हेल्थ में ये किया है। दूसरा जो आपने भी देखा होगा कि हमने हेल्थ में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है करगिल का, वो हमने शिफ्ट किया है। वहाँ पे इस वक्त अभी भी वहाँ पे कुछ
ओपीडी ब्लॉक और कैजुअल्टी ब्लॉक्स वगैरह बनाने हैं, वो हम अप्रूव कर रहे हैं, वो अगले साल काम शुरू हो जाएगा। टॉयलेट्स की वहाँ कमी है, जो बाहर के लोग आते हैं ओपीडी में उनके लिए टॉयलेट्स नहीं थे। पूरा इंटरनेशनल लेवल का मैंने कहा कि वहाँ एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, क्योंकि टॉयलेट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग दूर दूर से आते हैं, उनको टॉयलेट फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए, लेडीज़ को भी और मैन को सेपरेटली। तो ये भी वहाँ पर हम कर रहे हैं। सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में इस वक्त जो है वो जिसे हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो लग चुके हैं ऑलमोस्ट 18 के करीब, जो जो जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बड़े मेन हमारे CHCs हैं, PHCs हैं, जहाँ ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास सुविधा है, जहाँ डॉक्टर हैं, जहाँ हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, तो वहाँ प्लांट लग चुके हैं। अब हमारा ये इस साल ये है कि हम इन्हीं ऑक्सीजन प्लांट्स को हम मतलब फिलिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। वहाँ एक इक्विपमेंट लगता है जिसे बूस्टर कहते हैं, अगर वो हम लगाएंगे तो हम उन्हीं प्लांट्स को एज ए जो फिलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो फिल करके सिलेंडर जो है वो हम पेरीफेरी में भेज सकते हैं। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी UTF लद्दाख में अब कोई इशू नहीं है उसका। हमें एडिशनल सिलेंडर भी बड़े जो हैं 2000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं इसके कोविड के दौरान, उनके लिए भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं। हम हाइपरबैरिक चैम्बर लगा रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत सारी डेथ्स हो गई थी बिकॉज ऑफ यू नो लोग जो हैं वो दौड़ के चले जाते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं 2 दिन। बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है अगर वो कंडीशन ना करें। अगर वो कम से कम 48 आवर्स, हम एडवाइज़ करते हैं कि 48 आवर्स उनको जहाज से उतरने के बाद लेह में रहना चाहिए ताकि उनकी बॉडी एडजस्ट हो जाए यहाँ की लो ऑक्सीजन पे, तब जाके वो खरदुंगला जाएँ जो और भी ऊँचा है, या चांगला जाएँ, या वही पेंगोंग जाना है तो चांगला के थ्रू जाना है, नुब्रा जाना है तो खरदुंगला के थ्रू जाना है। तो लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जल्दी में होते हैं, वो जल्दी चले जाते हैं, तो उनको फिर वहाँ पे वो जिसको हम हैपी कहते हैं हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, जो कि बहुत बार फेटल हो जाता है। तो पिछली बार भी डेथ्स हुई थी, मतलब लगभग मोर देन 10-15 डेथ्स वर कुड बी एट्रीब्यूटेड टू हैपी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार हम हाइपरबेरिक चैम्बर जो है हमने सेंक्शन किया है वो हम इधर लगाएंगे अभी SNM में, एक हम टांगसे में लगाएंगे, टांगसे में लगाएंगे, क्योंकि पेंगोंग के लोगों को ज़्यादा, जो पेंगोंग जाते हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो और बाकी जितने भी हमारे पासेज हैं वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो। दूसरा हम सोच रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट जब आते हैं तो उन्हीं दिनों रश होता है, मतलब इस वक्त हमारे यहाँ हॉस्टल में रश नहीं है लेकिन गर्मी में बहुत रश हो जाता है टूरिस्ट का, तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है, बेड नहीं मिल रहा है, अच्छी केयर नहीं मिल रही है, तो लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका हाई होता है, वो कहते हैं कि हमें आप बढ़िया सा कमरा दीजिए, हम उसको पेमेंट करने को तैयार हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार हम एक पर्टिकुलर एक जो हमारा हार्ट फाउंडेशन का जो फैसिलिटी है वो हालांकि प्राइवेट है, तो हम वहाँ पे LHDC लेह की मदद से वहाँ पे हम कुछ कमरे जो हैं वो हाई स्टैंडर्ड के बनाएंगे, जहाँ पे कि जो अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो पे करने को तैयार हैं वो वहाँ जाके जो है उनको हम सहूलियत दे सकें। और वहाँ पे कुछ प्रिलिमिनरी जो चेकअप होता है लोगों का, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई उनको ऑक्सीजन दे दी, या कोई और इशू सर दर्द या कुछ ऐसी चीज़ें जब होती हैं हाई अल्टीट्यूड में, कभी कभी सर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो उस तरह के सिम्टम जो माउंटेन सिकनेस जिसे हम कहते हैं वो हमें एड्रेस हो जाए, एक ये भी कर रहे हैं। तो मतलब हेल्थ डिलीवरी अगर आप देखें तो लद्दाख में डॉक्टर्स को बढ़ा रहे हैं, NHM में डॉक्टर्स की जो है हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं वो नए लगाए हैं। आज की डेट में कोई डॉक्टर्स की उतनी ज़्यादा कमी नहीं है पिछले एक साल के अगर कंपेयर करें। इवन जांसकर में कोई डॉक्टर नहीं होता था एक, आज वो वहाँ पे 7 डॉक्टर्स हैं। बहुत सारे जगह हम OT जो हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं, द्रास में जैसी जगह पर भी OT एक्टिवेट हो गई है। तो इस तरह जो है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम कर रहे हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लद्दाख में एनीमिया का बहुत बड़ा इंसिडेंट है, तो एनीमिया के लिए हमने FSSAI के साथ मिलके, फूड फोर्टिफिकेशन डिवीजन के साथ मिलके और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके, हमारे जो अब अगले साल से अप्रैल से हमारी ये पूरी कोशिश है कि क्योंकि फोर्टिफाइड राइस, मतलब स्टेपल डाइट दो ही होती हैं, राइस और वीट, ये दो चीज़ें हम स्टेपल कहते हैं जो हम रोज़ खाते हैं। तो अगर तो हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को रिमूव करना चाहते हैं तो हमको आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स खानी पड़ती हैं, लेकिन आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट जो है रेगुलरली खाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपका पेट खाली है इससे गैस्ट्राइटिस होता है, दिक्कत होती है, मतलब आप इसको एंजॉय नहीं करते खाने के बाद, आपको अनइजीनेस होती है। तो बेस्ट तरीका वर्ल्ड में यही है कि आप उसको खाने में मिला दीजिए, तो खाने में अगर आप उसको मिलाएंगे तो आपको आयरन फोलिक एसिड जो है वो चला आपके बॉडी में आ जाएगा। तो राइस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी फोर्टिफाइड देना शुरू कर दिया है लद्दाख में, कारगिल में और लेह में। अब रह गई थी वीट की बात, क्योंकि वीट यहाँ ग्रेन की शक्ल में आता है, तो अब हम यहाँ पे अपने मिल्स में हमने इक्विपमेंट लगाना है, मार्च अप्रैल से पहले हम वो लगा देंगे,
और वो जो जिसको हम सप्लीमेंट कहते हैं, फूड सप्लीमेंट, आयरन फॉलिक एसिड जो है वो उसमें मिल जाएगा आटे में, तो हमारा जो आटा जो भी लोगों को मिलेगा वही फोर्टिफाइड मिलेगा। तो चाहे वो आटे की बनी चीज़ें खाएं, चाहे वो चावल की बनी चीज़ें खाएं, आयरन फॉलिक एसिड जो है उनकी बॉडी में चला जाएगा। और एनीमिया का इंसिडेंट जो है यहाँ पे, क्योंकि हम फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं है, इसके कारण क्या होता है, आयरन फॉलिक एसिड की कमी होती है। वो भी हम अगले साल से यूटी विल बी द फर्स्ट वन टू गिव फोर्टिफाइड वी ट्राइज, ये हमारा प्लान है, एंड इट विल ऑल्सो हैपन स्टार्ट हैपनिंग फ्रॉम अप्रैल। इसके पीछे हमने काफ़ी पिछले एक साल से हम मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हेल्थ में हुई हैं। और जहाँ तक रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू का तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 250 गाँव है, सिर्फ 250 गाँव का रिकॉर्ड जो है अपडेटेड है। अब हमने एक उसको डिजिटाइज करने का जो है वो भी अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। तो एक साल के अंदर आपको जितना भी रिकॉर्ड होगा वो डिजिटाइज शक्ल में मिलेगा, पूरा कंप्यूटराइज होगा, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी कागज़ आप आज लेने के लिए पटवारी के पास जाते हैं या नायब तहसीलदार के पास जाते हैं, उसके दफ्तर में जाते हैं, वो आपको ऑनलाइन जो है डिजिटली साइंड कागज़ मिल जाएंगे। तो ये एक स्टेप जो है टू डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, ये हम कर रहे हैं। और स्वामित्व में तो हमने काफ़ी काम किया हुआ है। आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन यूटीज़ कि जिन्होंने बहुत सारी सारे गांव ऑलमोस्ट हमने ड्रोन सर्वे से कर लिए हैं, और प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को जो है वो बांट रहे हैं। इस वक्त ये काम चल रहा है कि जो क्रूड मैप होता है जो हमें सर्वे ऑफ इंडिया देती है, उसका हमें ग्राउंड ट्रूथिंग करनी पड़ती है, इसको एक्चुअली फील्ड पर जाके देखना पड़ता है कि किसकी ज़मीन कितनी है, आबादी देह के अंदर जहाँ लोगों के घर होते हैं गाँव में, तो वो पहले रिकॉर्ड नहीं होता था। तो वो भी हमने जो है स्वामित्व के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कल हम अल्पिन लॉन्च करेंगे, यूनिवर्सल लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, हालांकि हमने वो ऑलरेडी लॉन्च किया, 1500-1600 हमने प्रॉपर्टी कार्ड जो है अल्पिन के साथ दे दिए हैं। अल्पिन क्या होता है, ये नंबर है, पहले खसरा नंबर होता था। अगर ज़मीन को अपने नाम देना तो आप बोलते थे खसरा नंबर 204 या खसरा नंबर 204 मिन, ये पहले खसरा प्लॉट नंबर, खसरा इज़ ए वर्ड विच इज़ ए पर्शियन वर्ड, तो खसरा मीन्स प्लॉट या सर्वे नंबर। तो उस प्लॉट का नंबर हम उसको कहते हैं क्या खसरा नंबर है आपकी आपके प्लॉट का। तो अब वो जो खसरा नंबर है, अब वो उसकी जगह हम उसको अल्पिन देंगे, जिसको हम कहेंगे यूनिक लैंड पार्सल। लैंड पार्सल हो गया ज़मीन का टुकड़ा। आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आधार नंबर है, हर एक ह्यूमन बींग जो है अगर उसको हम एक प्लॉट मान लें, मतलब ह्यूमन बींग को एक आधार नंबर मिलता है, वो आधार नंबर दो आदमी का एक नहीं हो सकता है, उसी तरह दो प्लॉट्स का एक अल्पिन नहीं हो सकता। हाँ, अल्पिन बाद में डिवाइड होकर दो अल्पिन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एक प्लॉट था उसका एक अल्पिन नंबर था जो 12 डिजिट नंबर है, उसके दो पार्ट हो गए तो दो न्यू अल्पिन कैन बी जनरेटेड। तो ये एक, लेकिन जैसे अल्पिन जनरेट हो जाएगा उस प्लॉट का सारा जो जियो रेफरेंस जो उसका इन्फॉर्मेशन होता है वो उस अल्पिन नंबर में आता है। जैसे आधार नंबर में आपकी आयरस का डायग्राम, आपके आयरस का फोटो होता है और आपकी फिंगरप्रिंट्स फोटो होता है, वो डेटाबेस में पीछे पड़ा होता है। नंबर जैसे आप करते हैं उस डेटाबेस में जाते हैं तो वो फट कहता है कि ये, आप उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो वो आपकी फिंगरप्रिंट्स को रीड करके और आयरिस को रीड करके कहता है कि हाँ यही आदमी जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसी का आधार नंबर है। उसी तरह जो प्लॉट होता है घर, जो ज़मीन का प्लॉट होगा, अल्पिन तो उसका होगा लेकिन अल्पिन की जो डेटाबेस होगा उसमें उस प्लॉट का पूरा होगा कि इसका जियो रेफरेंसिंग क्या है, इसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो है उसके जियो कोऑर्डिनेट क्या है, ताकि ग्राउंड के ऊपर उसको लोकेट किया जा सके। पहले क्या होता था कि खसरा नंबर है लेकिन पता नहीं लग रहा वो कहाँ पे है, कई बार ऐसा भी होता था। तो ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई स्कीम है, काफ़ी स्टेट्स ने इसको कर लिया हुआ है, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तो हम इसको कल लॉन्च कर रहे हैं। तो रेवेन्यू में भी हम जो है ऐसा करेंगे कि जितनी भी सर्विसेज जो रेवेन्यू की लोगों को होती हैं, जो जिनके पीछे उनको पटवारी के पास जाना पड़ता है, नायब तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, वो उनको मुहैया हो जाए ऑनलाइन, और उनको रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज डिजिटली साइंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड मिल सके। फॉरेस्ट में तो आपको पता है मेन चीज़, तो हमने आनले डार्क स्काई सेंचुरी जो है उसको नोटिफाई किया है, और बहु आने वाले वहाँ पे लोगों को हमने लगभग लगभग कोई 25 के करीब बच्चे जो हैं फर्स्ट फेज में ट्रेन हो गए हैं, उनको इक्विपमेंट दिया गया है, 36 के करीब टेलीस्कोप्स दी गई हैं, उनको पूरा ट्रेन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की मदद से, और वहाँ पे लाइट पोल्यूशन जितनी भी होती है आर्टिफिशियल लाइट उसको कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो आर्मी की हो चाहे प्राइवेट लोगों की हो, ताकि जो स्काइज या जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, उनसे जो लाइट आती है वो अगर हमारी लाइट से इंटरफियर करेगी तो हमें वो दिखती नहीं है। आप अगर रात को अगर आप आसमान की तरफ देखें, अगर नीचे से लाइट जली हो तो आसमान साफ नहीं दिखता है, जैसे आप लाइट बुझा देते हैं आसमान साफ दिखना शुरू करता है। तो इंडिया में आनले ही चुना गया था हमारे साइंटिस्ट ने आज से 25 साल पहले कि ये
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आइडियल जगह है, क्योंकि एटमॉस्फियर क्लियर है, आसमान डीपली डार्क होता है रात को, वहाँ मॉइस्चर कम है, और इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अपनी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई है, और वहाँ पे हमारी बहुत हिंदुस्तान की जो सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं, ऑलरेडी रिसर्च वर्क कर रही हैं, वो यूनिवर्स में देख रही हैं, वहाँ से रीडिंग ले रही हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जब ये ऑलरेडी सिस्टम सेटअप यहाँ है तो क्यों ना लोग जो है वो उनको भी ट्रेन किया जाए, जितने भी लोग यहाँ आते हैं वाई डोंट दे सी द स्टार्स, वो भी देख लें स्टार्स। बहुत सारे लोग शौकीन हैं आजकल स्टार गेजिंग करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसा है, ये वीनस है, ये मरकरी है, ये फलाना स्टार है, ये पोल स्टार है। तो मैं जनरल बता रहा हूँ, मगर बहुत सारी डिटेल जो है वो गैलेक्सीज देखना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इसको मैस्ट्रो टूरिज्म कहते हैं, और ये बिल्कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ मिलता हुआ चीज़ है, क्योंकि इसी से हमारी वाइल्ड लाइफ भी प्रमोट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप रात को लाइटें ऑन करते हैं तो जानवर जो होते हैं उनका जो बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनको लगता है कि जैसे सुबह हो गई, तो उनकी बॉडी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो चेंज हो जाती हैं, उनका रिप्रोडक्शन इफेक्ट होती है, उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है। तो वाइल्ड लाइफ भी इससे इफेक्ट होती है आर्टिफिशियल लाइट से, इंसान तो खुद इफेक्ट होता है, जैसे आपको अगर रात भर लाइट पे रखा जाए तो आपको पूरी नींद नहीं आएगी, आपकी नींद जल्दी उठ जाएगी, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, इसलिए रात को आप लाइटें ऑफ करके सोते हो। तो इसलिए जानवर तो अब लाइट ऑफ नहीं करेगा ना, तो इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रात को लाइट जो है उस इलाके में ऑफ़ कर दें। एक तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इससे प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होगी, एस्ट्रो टूरिज्म प्रमोट होगा, और वो एक्टिविटी जो है बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के प्रमोशन के साथ चलती है। तो ये एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट जो है वो हमने स्टार्ट किया है। बाकी जितनी भी सेंचुरीज हैं हमारी, वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट के चल रहे हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अप्रूव करवा के उनको क्लियरेंसेस दे रहे हैं। एक ज़माने में मैं शुरू में आपको पता, एक साल पहले डेढ़ साल पहले यहाँ बहुत इशू होता था, टावर नहीं लग रहे हैं, टावर लगने नहीं दे रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि भाई फॉरेस्ट एक्ट के तहत तो ये परमिशन है कि आप टावर लगा सकते हो, इसमें कोई इसको इशू नहीं है। लेस देन ए हेक्टेयर ऑफ एरिया, हेक्टेयर एरिया में अगर प्लांट्स ट्रीज जो हैं कट नहीं रहे हैं, मतलब लेस देन 75 ट्रीज पर हेक्टेयर एरिया कट रहे हैं, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहता है कि आप वहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, छोटा सा कमरा स्कूल का, छोटा सा हॉस्पिटल की बिल्डिंग, छोटा सा बना सकते हैं। वो DFO जो है वो ग्राम सभा से मिलके वो अप्रूवल ले सकता है, तो वो डेवलपमेंट ताकि इफेक्ट ना हो लोगों की। तो वो भी काम जो है वो अब जो है आज वो दिक्कत नहीं है, टावर्स की दिक्कत नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन की दिक्कत नहीं है, लोग जो हैं वो काम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एज़ पर द लॉ कर रहे हैं। तो ये ब्रॉड मैंने कहा डिपार्टमेंट्स के बारे में।